दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट को दोस्तों आधार कार्ड से यूपीआई पिन दोस्तों कैसे बनाएं। अगर दोस्तों आपका पास भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है और दोस्तों उसी वाली बैंक अकाउंट का आपका पास दोस्तों एटीएम कार्ड नहीं है, इसीलिए दोस्तों आप चाहते कि आधार कार्ड का मदद से यूपीआई पिन दोस्तों क्रिएट करके चालू करना, लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहां से हमारे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर दोस्तों आपका मोबाइल पे गूगल पे फोन पे पेटीएम एप्लीकेशन थ्रू दोस्तों कुछ भी आपका मोबाइल पे प्रॉब्लम है तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट कर देना। अगर दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में है तो दोस्तों 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो चले दोस्तों शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट को दोस्तों आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने के लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका नाम है दोस्तों फोन पे। ठीक है, अगर दोस्तों ऑलरेडी आपने दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा बात है। अगर दोस्तों अभी तक फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों न्यू वर्जन फोन पे एप्लीकेशन का लिंक दोस्तों मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। लिंक पर टैप करके दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डाल के आपको रजिस्टर कर लेना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप फोन पे एप्लीकेशन के अंदर एंटर हो जाओगे। ठीक है, अब जैसा ही दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपको दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप ओल्ड यूजर हो तो दोस्तों आपको पता ही होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट को दोस्तों हम आधार कार्ड से यूपीआई पिन दोस्तों हम क्रिएट कैसे करेंगे। इसीलिए दोस्तों देखिए आपको दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में दोस्तों प्रोफाइल ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको दोस्तों लेफ्ट साइड प्रोफाइल ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों पूरा पास्ट में आपका प्रोफाइल ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे दोस्तों रिसीव मनी और दोस्तों थर्ड नंबर पे पेमेंट मेथड पे दोस्तों काफी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको दोस्तों बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए या फिर दोस्तों आपको बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो चले दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों अभी आपको करना क्या है, लास्ट में दोस्तों ऐड न्यू बैंक अकाउंट ऑप्शन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको दोस्तों ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट को दोस्तों आपको ऐड कर लेना। ठीक है, अगर दोस्तों आपका मोबाइल पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट दोस्तों यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, सर्च बाय बैंक नेम पे दोस्तों आपको क्लिक करके आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट को दोस्तों सर्च कर लेना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आ जाएगा वहां पे दोस्तों आपको क्लिक करके आपका बैंक अकाउंट को दोस्तों आपको ऐड कर लेना। ठीक है, तो चले दोस्तों मेरा मोबाइल पे यहाँ पे दोस्तों मेरा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट दोस्तों शो हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, आपका भी दोस्तों आपका बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों देख सकते हो आपका जो बैंक अकाउंट दोस्तों अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद दोस्तों अभी आपको करना कि आपको दोस्तों बैंक बटन पे आपको प्रेस कर देना। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों बैंक अकाउंट ऑप्शन पे दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट दोस्तों ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मेरा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट दोस्तों अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अभी दोस्तों आपको आधार कार्ड का मदद से यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी दोस्तों मैं यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दोस्तों मैं रिसेट पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो चले दोस्तों मैं रिसेट पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो डेबिट एटीएम कार्ड डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका जो एटीएम कार्ड का डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर, आपका जो एटीएम कार्ड पे 16 डिजिट का नंबर रहता है ना दोस्तों, आपको ओनली लास्ट 6 डिजिट का नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सपायरी डेट आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों मेरे पास तो कोई भी एटीएम कार्ड नहीं है ना, हम आधार कार्ड का मदद से हम यूपीआई पिन क्रिएट करेंगे। इसीलिए दोस्तों देखिए ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में दोस्तों अभी तक आधार वाला ऑप्शन दोस्तों आया नहीं। ठीक है, आपको दोस्तों कुछ दिन आपको वेट कर लेना और उसके बाद दोस्तों जैसा ही आ जाएगा उसके बाद दोस्तों मैं आपको आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मेरा एक और एक बैंक अकाउंट है। ठीक है, उसी वाली बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों मैं आपको आधार कार्ड का मदद से यूपीआई पिन दोस्तों क्रिएट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं बैक बटन पे क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों मेरा एक और एक बैंक अकाउंट है, उसी वाली बैंक अकाउंट को दोस्तों मैं आधार कार्ड से यूपीआई पिन दोस्तों क्रिएट करके मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, मेरा एक और एक बैंक अकाउंट है दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक है। ठीक है, तो चले दोस्तों यहां पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद दोस्तों आपका बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद अभी दोस्तों मैं करूंगा क्या, यहां पे दोस्तों मैं बैक बटन पे मैं प्रेस करूंगा और उसके बाद दोस्तों मेरा जो पेटीएम पेमेंट बैंक है यहां पे दोस्तों मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी हम आधार कार्ड का मदद से यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दोस्तों रिसेट पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपका मोबाइल पे सेट पिन करके ऑप्शन मिलेगा जब दोस्तों आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों आधार वाला ऑप्शन आएगा तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों आपको रिसेट पे आपको क्लिक कर देना, नहीं तो दोस्तों आपको क्रिएट पिन पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, तो चले दोस्तों मैं रिसेट पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों देख सकते हो आपको दोस्तों दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब दोस्तों एसबीआई बैंक में दोस्तों आधार वाला ऑप्शन आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि दोस्तों आधार नंबर लिंकेड विद बैंक और दोस्तों डेबिट एटीएम कार्ड। ठीक है, आपको दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों आधार नंबर लिंकेड विद बैंक पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना। ठीक है, ये दोस्तों ऑटोमेटिक
लिए सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। आपको दोस्तों डायरेक्टली प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना और उसके बाद दोस्तों आपको जो आधार कार्ड का डिटेल्स आपको भर देना है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हो वेरीफाई आधार नंबर, ठीक है, इंटर द पास्ट 6 डिजिट ऑफ आधार कार्ड नंबर। आपका जो आधार कार्ड पे दोस्तों 12 डिजिट का नंबर रहता है ना दोस्तों, आपको ओनली पास्ट 6 डिजिट का नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है, ओनली पास्ट 6 डिजिट का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मेरा आधार कार्ड का नंबर मैं डाल देता हूँ, और ये लो दोस्तों मैंने आधार कार्ड का नंबर दोस्तों मैंने डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों मैं प्रोसीड पे में क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों आपका जो आधार कार्ड पे दोस्तों जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी वाले मोबाइल नंबर पे दोस्तों एक ओटीपी आएगा, और दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी वाले मोबाइल नंबर पे भी एक ओटीपी आएगा, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपको दो ओटीपी आएगा, ठीक है, एक दोस्तों आधार ओटीपी, एक दोस्तों बैंक ओटीपी, ठीक है। दोनों ओटीपी डाल के दोस्तों आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। और ये लो दोस्तों मैंने बैंक ओटीपी और दोस्तों आधार ओटीपी मैंने फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं राइट ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा और यहाँ पे दोस्तों आपका सामने लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों देख सकते हो मेरे को दोस्तों बोला जा रहा है सेट 4 डिजिट यूपीआई पिन। आपको भी दोस्तों इसी तरह आपको बोला जाएगा, ठीक है, जब दोस्तों एसबीआई में दोस्तों आधार वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं 4 डिजिट का यूपीआई पिन दोस्तों मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और ये लो दोस्तों मैंने 4 डिजिट का यूपीआई पिन क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों कॉन्फर्म 4 डिजिट यूपीआई पिन, आपने जो दोस्तों 4 डिजिट का यूपीआई पिन डाला था ना उसको दोस्तों आपको कॉन्फर्म करना पड़ेगा, दोबारा आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं दोबारा डाल देता हूँ, और ये लो दोस्तों मैंने कॉन्फर्म किया, ठीक है। आपको भी दोस्तों कॉन्फर्म करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको राइट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, ठीक है, तो वेट करेंगे। आपका सामने दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों देख सकते हो यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो गया, ठीक है। आपका सामने दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों मैंने आधार कार्ड से यूपीआई पिन दोस्तों क्रिएट करके मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। आपको भी दोस्तों आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में दोस्तों जब आधार वाला ऑप्शन आ जाएगा इस तरफ दोस्तों आपको यूपीआई पिन आपको क्रिएट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप जैसा यूपीआई पिन क्रिएट करोगे उसके बाद दोस्तों आपको बैक बटन पे आपको प्रेस कर देना। प्रेस करने के बाद दोस्तों इन सारे ऑप्शन को दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से आप यूज कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप फोन पे एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे, गूगल पे एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे, पेटीएम एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे, ठीक है, वही वाला यूपीआई पिन से, ठीक है। आपको दोस्तों नया वाला यूपीआई पिन क्रिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं, आप जो दोस्तों यहाँ पे आप यूपीआई पिन क्रिएट करोगे ना उसी यूपीआई पिन से दोस्तों आप गूगल पे एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे, पेटीएम एप्लीकेशन को भी, ठीक है। अगर दोस्तों उसके बाद आप अगर फोन पे एप्लीकेशन को यूज करना चाहते या फिर दोस्तों आप किसी का भी आप मोबाइल नंबर डालकर आप पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, और उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे आप किसी का भी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, और दोस्तों यूपीआई के अंदर पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, और उसके बाद दोस्तों खुद का ही खुद का बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए टू सेल्फ अकाउंट को दोस्तों आप यूज कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों पूरा लास्ट वाला ऑप्शन तो दोस्तों सबको पता ही होगा, यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करके खुद का बैंक बैलेंस आप चेक कर पाओगे, ठीक है। जैसा कि दोस्तों मैं आपका सामने दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ मेरा जो पेटीएम पेमेंट बैंक है दोस्तों बैंक बैलेंस चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपका सामने दोस्तों इसी वाली बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से दोस्तों मैंने यूपीआई पिन क्रिएट किया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों मैंने आपका सामने दोस्तों जो 4 डिजिट का यूपीआई पिन दोस्तों मैंने क्रिएट किया ना दोस्तों आधार कार्ड का मदद से वो यूपीआई पिन दोस्तों मैं डाल देता हूं, ठीक है। और ये लो दोस्तों मैंने यूपीआई पिन डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, ठीक है, तो वेट करेंगे। आपका सामने दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों देख सकते हो मेरे जो पेटीएम पेमेंट बैंक में दोस्तों सिर्फ 2 रुपीज पड़ा हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब एक ही दोस्तों मैंने आपका सामने दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ आधार कार्ड का मदद से दोस्तों यूपीआई पिन क्रिएट किया, ठीक है। आप भी दोस्तों एसबीआई में दोस्तों जब आधार वाला ऑप्शन आ जाएगा इस तरफ दोस्तों आपको यूपीआई पिन क्रिएट करके दोस्तों बैंक बैलेंस चेक कर पाओगे, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों मेरे बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों आपका मन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों कमेंट कर देना। अगर दोस्तों उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों मेरे हाथों में है तो दोस्तों 100% मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। तो चले दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।